जिस दौर में हम लोग राजनीति कर रहे हैं, विशेष परिस्थितियों का चुनाव है। एक तरफ तो बीजेपी जो ये बात कह रही है कि 400 पार, जो आकलन उनका है वो 400 पार का है, तो फिर इतनी घबराहट क्यों? क्या वजह है कि 400 पार जब हो रही हैं तो आप विपक्ष के नेताओं पे झूठे मुकदमे लगा रहे हैं? कोई कल्पना कर सकता था आज से पहले कि एक मुख्यमंत्री जेल चला जाएगा उस पर आरोप लगा करके, जो सच है कि नहीं है अभी तो समय लगेगा उसमें। एक और मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेज दिया जेल, झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, और दिल्ली का, और खासकर अरविंद केजरीवाल जी वाला तो यूनिक केस है। एक कंपनी है, वही चंदा दे रही है बीजेपी को, उसी पे आरोप लगाए किसी बात को लेकर के, तो बीजेपी के भी तो खुला चंदा दिख रहा है उसमें। और फिर अगर हम उस कंपनी के बारे में जाने, मुझे कोई ये जानकारी दे रहा था कि जिस कंपनी ने चंदा इलेक्ट्रल बोर्ड से बीजेपी को दिया है, उसके प्रोडक्ट की इतनी बाजार में भरमार हो गई कि वो मुनाफा ज्यादा कमा रही है, जो चीज कम पैसे की थी वो ज्यादा में बेच रही है। तो अगर हम देखें पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड का, तो जिन जिन कंपनियों से लिया गया है उन कंपनियों ने मुनाफा कमाने के लिए महंगाई थोप दी हमारे ऊपर। तो महंगाई किसी बाजार की वजह से नहीं है, ये महंगाई है क्योंकि बीजेपी के गलत नीति के वजह से और वसूलने की वजह से महंगाई है। और फिर बेरोजगारी देखो कहाँ है। आंकड़े अगर हम वो सच माने जो आए हैं, 80% से ज़्यादा नौजवान नौकरी और रोजगार की तलाश में है। अगर इस तरीके से नौजवान के मन में हताशा आएगी और बेरोजगारी के प्रति अगर ऐसा दिखाई देगा, तो हो सकता है कल को कहीं ऐसा ना हो कि श्रीलंका जैसा माहौल बन जाए। तो इसलिए विशेष परिस्थितियों में है, किसान की आय दोगुनी हो, किसान को MSP का कानूनी अधिकार मिले जिससे वो लाभकारी मूल्य मिल सके, वो जो फसल पैदा करे उसका भाव उसे अच्छा मिले, तो खुशहाली आएगी। हम विश्व गुरु तब बनेंगे जब हमारा किसान खुशहाल होगा। हम विकसित भारत तब होंगे जब हमारे हर नौजवान के हाथ में नौकरी या रोजगार होगा। और जिस तरह के लोकतंत्र में दबाव हैं लोगों के ऊपर, हमारी संस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रही है, जितनी भी संस्थाएं मजबूत होंगी उतना हमारा लोकतंत्र और संविधान मजबूत होगा। उदाहरण के लिए अगर हम दुनिया के पैरामीटर्स में देखें तो जो प्रेस की आज़ादी पे हम कहाँ खड़े हो गए आकर के। मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी प्रेस को आज़ादी मिलेगी उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। फायदा नुकसान, 60 लाख बच्चों की परीक्षा छूटी। मैं इसी मुजफ्फरनगर में आया था, मेरठ के पास के बच्चे मुझे मिले थे, उनके हाथ में तख्ती थी कि परीक्षा कैंसिल हो, पेपर लीक कैंसिल, पेपर लीक जो हुआ उसकी परीक्षा दोबारा हो। इस तरीके से जो पेपर लीक हुए हैं, 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए। अगर हम 60 लाख के केवल ये मान लें उनके परिवार के माँ बाप इस सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे, अगर हम 3 वोट मान लें एक परिवार के, और 60 लाख परिवार इस तरीके से प्रभावित हुए हैं, तो 60 लाख गुणा 3 1,80,00,000, और यही 80 लोकसभा से अगर हम भाग दे दें तो 2,25,000 वोट बीजेपी का हर लोकसभा में कम हुआ है। इसकी भरपाई कहां से कर लेंगे?